आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 1 नवंबर से शुरू हुए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरे महीने तक जारी रहेगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य प्रत्येक रविवार को सभी बूथों पर किया जा रहा है। इस दौरान बीएलओ बूथों पर मौजूद रहेंगे और लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का काम करेंगे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिन भी लोगों का 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी हो रही है वह बूथों पर जाकर वोटर बन जाएं। इसके अलावा सभी बीएलओ लोगों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जैसे आप अवगत हैं कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे नवंबर माह में चल रहा है, 1 तारीख से प्रारंभ हो गया है और प्रत्येक रविवार को ताकि लोगों को सुविधा हो सके विशेष दिन नामित किया गया है, जिसमें बूथों पर ही बीएलओ बैठते हैं और अन्य दिनों में भी आप बीएलओ से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में आ सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग 1 जनवरी 2022 को 18 से ऊपर उम्र उनके पूरी हो रही है तो वो अपने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए हमारे बीएलओ से तहसीलों से संपर्क कर सकते हैं। सारे टीम लगातार प्रचार प्रसार और अन्य गतिविधियां कर रही हैं और इस विभिन्न गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। चुनाव एक बहुत बृहद स्तर का कार्य है, विभिन्न घटकों में उसमें काम करना पड़ता है और निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरे कटिबद्ध प्रयास माननीय आयोग के निर्देशों में जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सभी की प्रतिभागिता निवेदित है।